क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं कर रही, बस तेरे को याद कर रही हूँ। अरे क्या रो रहे हो? अपनी बाल्टी धो धा के मग धो धा के अंदर ले जाना, बेड के नीचे रख देना, बेड के नीचे उल्टा अपने बेडिंग के नीचे। इसको एक कलर दिखा देना इसके सारे कपड़ों का। और गाइस देख सकते हैं जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है अर्नव को छोड़ने का, दीदी रो रही है। Once again, welcome back to our YouTube channel, Rahul Kurial. So guys, हम लोग अर्णव की अकेडमी देख के घर आ चुके हैं वापस और अर्णव को चाहिए फेयरवेल पार्टी। तो आज हम लेके जा रहे हैं उसको एक रेस्टोरेंट में, वहीं पे थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे बाहर का ताकि वो खुशी खुशी अकेडमी में जाए। उसको अच्छा फील करवाने की कोशिश करेंगे हम पहले, और फिर कल हम जाएंगे अर्णव को छोड़ने उसकी सुखोई अकेडमी में। तो आप लोग बने रहे इस व्लॉग में और पूरे व्लॉग को एंड तक एंजॉय करें। ये देख सकते हैं हमें यहाँ फेयरवेल पार्टी देते हुए अर्णव, और यहाँ हम आ चुके हैं एक रेस्टोरेंट में और काफी अच्छा रेस्टोरेंट है। तो हमने अभी ऑर्डर करा है मोमोज, चाउमिन और पाव भाजी, और अर्णव कह रहा है कि ये खाने के बाद हम नीचे जाके गोलगप्पे भी खाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ सारी तैयारी हो चुकी है इसकी, नहाने की बाल्टी, और ये है कुछ खाने का सामान, और ये है लड़का। तो कैसे लग रहा है आपको? रो के दिखाइए थोड़ा, ढंग से रोइए, बताओ कैसा लग रहा है। ठीक ही है अभी, है अब जाके पता चलेगा। रोना आएगा या खुश रहेगा? वो तो मैं 7 दिन बाद बता ही दूंगा। 7 दिन में बताएगा? तो इसने, हाँ इसने 7 दिन का ट्रायल पैक लिया है। और ये रही बच्चे की मम्मी, आपको कैसे लग रहा है? मेरे को तो मिक्स फीलिंग्स है, अच्छा भी लग रहा है। फ्यूचर की उसे देखा जाए तो अच्छा है, पर मेरा बेटा है तो मैं माँ हूँ, थोड़ा बहुत इमोशनल होना भी बनता है। अब देखो आगे वहाँ जाके क्या होता है। तो गाइज हम सब कर चुके हैं ब्रेकफास्ट और आज हम अर्णव को छोड़ने जा रहे हैं। ये मेरा भांजा है और ये हमारा नाम रोशन करेगा, है ना। वहाँ बोर्ड पे बहुत सारे बच्चों के नाम दिखाए थे हमने, उसमें से अगले साल अर्णव का भी नाम आएगा, दोनों का। अर्णव पार्क आएगा, इधर देख के बोला आएगा। तो इनका भी नाम आप बोर्ड पे देखोगे, और उस दिन हम जब व्लॉग बनाएंगे तो बोलेंगे ये देखो अर्णव की आई है फर्स्ट रैंक और ये निकला है RMS में, है ना। हाँ बोल, हाँ वेरी गुड। और यहाँ अर्णव की नानी से पूछते हैं कैसा लग रहा है। अरे अर्णव की नानी इधर तो देखो, कैसा लग रहा है आपको, बोलो तो सही। अरे नानी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा, कैसा लग रहा? अरे अच्छे के लिए तो जा रहा है, वो कुछ बोलना नहीं चाहती। मम्मी के आंसू ही सब कुछ बयां कर दे रहे हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। मम्मी को लग रहा है अभी वो छोटा है। इधर तो देखो, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, कहेंगे वैसे तो बड़े आंटी प्रवचन देती है, आज क्या हुआ है, आज क्यों कुछ नहीं बोल रही। वैसे तो आप बड़ा कहते हो कि अपने एक बच्चे को गुरुकुल भेजूंगी मैं और वो व्यास बनाऊंगी, जा तो रहा है वो एक लड़का। मच्छरों में आपको बड़ा पता है कि गुरुकुल में मच्छर होते नहीं होते, वहाँ तो और बुरे हाल है, यहाँ तो फिर भी फैसिलिटीज है। यहाँ तो फिर भी 6 बजे उठ रहे हैं, वहाँ तो 3:30 बजे उठ जाता ब्रह्म मुहूर्त में, तब क्या होता, पत्तों पे सोना था, पेड़ से तोड़ के खाना था, यहाँ तो बना हुआ खाना खाएगा कम से कम। आपने तो भेज दिया, मम्मी ऐसी बोलती है दिव्या अपने पोते को तो मैं वहाँ भेजूंगी गुरुकुल व्यास बनने। अर्णव के पापा बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन नहीं फेस पर, चेहरे पर नहीं, लेकिन सब जानते हैं कि सब अच्छे के लिए कर रहे हैं। एक दादी रह लो एक बेड पे, एक पे नानी को छोड़ देते हैं, दोनों रहेंगी बिल्कुल, फिर देखती रहेंगी बच्चों को। आइए जानते हैं अर्णव के नाना से। बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। शिक्षा सबसे पहले, शिक्षित हो जाएगा, शिक्षित तो और डिसिप्लिन भी दे पापा, शिक्षा के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ डिसिप्लिन हो जाए तो यही आज के टाइम पे। वैसे कंपटीशन इतना हाई है कि अपने आप को पहले से स्ट्रांग करना पड़ेगा। कितने साल ही देख लेंगे माँ बाप, हाँ भाई कितने साल देख लोगे, कभी तो छोड़ना ही पड़ेगा बच्चे को। तो ये देखिए, ये है पार्थ की मम्मी जिन्होंने 2 साल पहले ही अपना बच्चा छोड़ा हुआ है। उनके चेहरे पे देखो कितनी खुशी है। आपको कुछ लगा वहाँ भेज के सोना में, इम्प्रूवमेंट लगी? बहुत इम्प्रूवमेंट है, पहले से बहुत ज्यादा है हर चीज में, मैथ्स में, जीके में,
अच्छा सब्जेक्ट में एजुकेशनल कह रहे हो आपके, मतलब पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट है। सबसे बड़ी बात है फोन से दूर है। हाँ ये देखो कितने दूर है फोन से। ये एक दिन के लिए आए और फोन दोनों के हाथ में देखो। दुखी तो अर्णव की नानी बहुत है लेकिन खाना पूरा है। ऐसा नहीं है कि खाने में कोई कटौती है। वो आंसू तो थे ठीक है अर्णव के जाने का दुख, पर ये पांचवी रोटी हम देख रहे हैं अभी। पांचवी रोटी खाते हुए तो ऐसा कुछ नहीं है, खाने में कोई कटौती नहीं है, बस जज्बात थोड़े से है कि क्यों जा रहे हैं, है ना। ये देख सकते हैं नो कमेंट। खाना छोड़ के कौन सा रुक जाएगा, माने सोचा रुकना अपनी खाना छोड़ के भी नहीं है पेटी भर में। खाना ना ज्यादा टेस्टी बना दिया तुमने आज के हिसाब से। आज तो थोड़ा ऐसा बनाते कि मम्मी मिर्च वाला, ताकि आंसू एक्स्ट्रा ही निकलते दो चार। डॉली अर्णव भाई जा रहे मिल तो ले। और ये देखो ऐसी ऐसी बहन है, इसको कोई फर्क नहीं है, इसके लिए नींद ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बेटा भाई जा रहे है, भाई को बाय तो बोलो। और जिन बच्चों को लेकर यहाँ पर व्लॉग बन रहा है वो बच्चे अपना मस्त है एकदम खेलने में। अबे ले छींक दे मेरे व्लॉग को, आप शगुन कर दो। हाँ छींक के क्या कर रहे हो आप, आप क्या क्या कर रहे हो, बोल अपना ध्यान रखना। कर रही हूं तेरे को यार, कर रही हूं कर अरे क्यों रो रहे हो, बोल दो ध्यान रखना अपना। इसको भी ठीक है। और यार अर्णव को भी रोना आ गया, ये देखो इसकी आंखों में आंसू। दादी को लेकर आऊंगा साथ में, देखिए आज अपने बच्चे को, आज अपने बच्चे को दूर पढ़ने भेजना पड़ रहा है। और ये इनका सामान देख सकते हैं आप, अर्णव का बाल्टी वाल्टी। जब नहाने लोगे ना अपनी बाल्टी धो धा के मग धो धा के अंदर ले जाना, बेड के नीचे रख देना, बेड के नीचे उल्टा अपने बेडिंग के नीचे। इसको क्रीम कलर दिखा देना इसके सारे कपड़ों को फिर से। नानी रो रही है और तू हंस रहा है, तेरे को शर्म नहीं आ रही। अर्णव ये ले मेरी चाबी। वो तो एक्सपीरियंस है उसको, तो एक साल इनको कीज मिली है, इनके ट्रंक की इनको हमेशा गले में टांग के रखनी है। तेरी भी तेरे गले में अच्छे पर आना ठीक है। तू तो अब वैसे तो छोटा है पर यहाँ तू बड़ा भाई है, तू पहले दो साल पहले जा चुका है, इसका ध्यान भी रखना है तूने। सोना चप्पल अपनी जूते चप्पल जो भी पानी वाला हीरो ठीक है, अच्छे से पढ़ियो। छुट्टी में आएगा भाई, अब तो छुट्टी में यही आया करेगा। ये दोनों बच्चे यहाँ पर आशीर्वाद लेते हुए भगवान का टीका लगा दिया तेरे। वाह ये देखो इनके भी टीका लगा दिया। और यहाँ मम्मी ले आई है धनलक्ष्मी। ये जब बात बोल नानी रो मत, बोल अभी आ रहा हूँ मैं। बाय 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 बैग लो अपना, अच्छे से पढ़ना ठीक है। सुन नंबर तेरी ट्रक के ऊपर लिखा हुआ है हम लोगों का भी ठीक है। नाम लिखा है किसको, हाँ मामा मामी मम्मी पापा फोन कर दो किसी के भी फोन पे ठीक है। और मम्मी आपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, नहीं इमोशन कंट्रोल कर रही है, यहाँ पर गालियां देना चाहती है जीजू को पर दे नहीं पा रही है। तो गाइज यहाँ अर्णव के जाने का दुख तो सबको है, बट क्या करें जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि फ्यूचर का सवाल है। सबसे ज्यादा दुख माँ बाप को होता है, ऐसा नहीं है कि जीजू को बिल्कुल दुख नहीं हो रहा होगा, बट अपने बच्चे के उज्ज्वल भविष्य के लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है। और जब उसका सैनिक स्कूल में हो जाएगा तब सबसे ज्यादा खुशी भी हमें ही होगी। तो लाइफ में थोड़े ऐसे कड़े फैसले होते हैं जो हमें लेने होते हैं। तो गाइज हमें लगा था कि कल है अर्णव की फेयरवेल पार्टी, लेकिन नहीं उसको जाने से पहले वो कह रहे कि उसको पिज़्ज़ा खाना है। तो हम लोग यहाँ रुक चुके हैं चार भाई फैमिली ढाबा पर। ये तो ये चार भाइयों ने मिलके फैमिली ढाबा खोला हुआ है प्योर वेज, और यहाँ पर अर्णव खाना चाहता है पिज़्ज़ा। तो हमें लगा था कि कल है अर्णव की फेयरवेल पार्टी, लेकिन आज भी ले आया वो, या आज भी देनी पड़ रही। अर्णव मतलब जितनी बार तू आएगा फेयरवेल पार्टी करवा के जाएगा, कोई बात नहीं। अब सीधे दिवाली में खाएंगे। तो गाइस पिज्जा आने में 20 से 25 मिनट लगेगा, तो अर्णव कह रहे हैं अच्छी बात तो है, इसी बहाने आधा घंटा और हमारे साथ रहने को मिल जाएगा। और ये आ चुका है इनका पिज्जा, खुश हो जाओ, ये देखिए चमक इनके चेहरे पर।
फेयरवेल पिज्जा ही इनका, इसके बाद मिलेगा इन्हें सीधा दिवाली पर। तुम्हारी फोटो में खींच रही है। तो गाइस हम लोगों ने पिज्जा खा लिया है और आइए जानते बच्चों से, बच्चों कैसा लगा। और हम सब पहुंच गए हैं सुखोई एकेडमी एक बार फिर से। यहाँ हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, जहाँ पर अर्णव सीधा कर्नल बन के निकलेगा। अर्णव इधर शक्ल दिखाओ कर्नल के। और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ 29 जनवरी को यहाँ एग्जाम हुए थे, इस एकेडमी में भी एडमिशन लेने के लिए एग्जाम होते हैं। तो अर्णव उसमें 50th रैंक पर आया था, 50 रैंक आई थी अर्णव की, तो इसलिए उसको स्कॉलरशिप मिली है। तो वैसे यहाँ की फीस 2,20,000 है, तो 50% ऑफ मिला है, 50% स्कॉलरशिप मिली है, तो इसका 1,10,000 में एडमिशन हो चुका है। तो एक 10 में दीदी हॉस्टल वगैरह सब है ना, सब अलॉट हुआ है इसको, खाना पीना सब साल भर तक का। बुक्स वगैरह ये लेंगे, बाकी ये थोड़ा बहुत सामान है जो हमें को, ये देखिए बाल्टी बेचने वाला लग रहा हूँ मैं। तो ये देख सकते हैं सभी बच्चों के ट्रंक्स वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं ऑलरेडी। जय हिंद। तो यहाँ बच्चे जय हिंद बोलते हैं ना, याद है इसके जूतों पर भी नाम लिख दिया है, वाह चप्पलों पे भी नाम लिख दिया दीदी ने, वाह। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम आर्यन। आर्यन, और आपका? कार्तिक। कार्तिक के साथ खड़े होना एक बार, आप बताओ अपना नाम। कार्तिक। आर्यन। एक साथ बोलो, कार्तिक आर्यन, कार्तिक आर्यन, कार्तिक आर्यन। अरे भाई ये तो कार्तिक आर्यन निकले दोनों। और यहाँ सभी रूम्स एसी रूम्स है, तो जैसे ही गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तब ये एसी ऑन करेंगे। ये कुछ बड़े रूम्स है, जहाँ अर्णव अभी शिफ्ट हुआ है वो छोटा रूम है। तो यहाँ कितनी बेडिंग है? 22 बेडिंग है यहाँ पर। मिलके रहते हो ना सारे साथ, लड़ाई तो नहीं करते ना? तो काफी अच्छे और क्यूट से बच्चे हैं। आपकी उम्र कितनी है? 10 ईयर्स का बच्चा, ये देखिए कितना प्यारा बच्चा। बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ आ रखे हैं अपना फ्यूचर बनाने के लिए। और ये बच्चा मिला है, इसे भी मम्मी की याद आ रही है, आज ही इसकी मम्मी भी छोड़ के गई है, मम्मी पापा। बट रोना नहीं है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। और ये भी उत्तराखंड से, उत्तराखंड से हो ना? कहाँ से? काशीपुर से। क्या नाम है? भूपेंद्र, भूपेंद्र राणा। और गाइस देख सकते हैं जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है अर्णव को छोड़ने का, दीदी रो रही है। ये देखो सभी तो बच्चे कितने प्यारे प्यारे दीदी। मतलब हर संडे को यहाँ पर मूवी दिखाते हैं, हमें कल मूवी दिखाई थी और हमें बहुत मजा आया, है ना? रंग दे बसंती। अगली बार बोलना राहुल कुरियाल भैया का यूट्यूब दिखाओ। तो भूपन को आ रही थी मम्मी की याद, हमने मम्मी से बात करा दी। अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। और देखो सब दोस्तों, इसका भी फर्स्ट डे, सब मिलके रहना साथ में, ठीक है? ये अर्णव, भूपन है, ये भी 6th की तैयारी कर रहा है। हाथ मिलाओ। हाँ ये सभी कल आए हैं, ये सब कल आए हैं, तो अच्छे से रहना यहाँ। चलो हाँ तुम आओगे अभी यूट्यूब चैनल पे, अपनी मम्मी को बोलना राहुल कुरियाल, राहुल कुरियाल। तो गाइस कल जब हम मेस में गए थे तो वहाँ खाना खत्म हो गया था, तो अभी हम जा रहे हैं मेस में और खाना टेस्ट करके आप लोगों को बताएंगे कि कैसा स्वाद होता है यहाँ खाने का। आइए जानते हैं भैया से आज खाने में क्या बनाया। भैया क्या बनाया आज खाने में? सर आज अरहर की दाल तड़का है। ये देखिए ये है अरहर की दाल तड़का, ग्रेन पंपिंग है, ग्रेन पंपिंग, राइस और चपाती जिसको हम कद्दू बोलते हैं, और ये है चावल और रोटी। और गाइस यहाँ देख सकते हैं अब हम खाना लेके आ चुके हैं अपने लिए। अर्णव ने तो थोड़ा बहुत खा भी लिया। अर्णव कैसा लगा? सही है, सही है कि टेस्टी है? सही है। दीदी आपको कैसा लगा? ठीक है। गाइस देख सकते हैं कैसे लाइन लगा के यहाँ बच्चे खाना ले रहे हैं। तो गाइस खाना खाने के बाद अब हम आ रहे हैं नीचे, और अब हमारे जाने का वक्त ही आ चुका है। और जाते जाते देखो हम मुंह मीठा कर रहे हैं, इसी खुशी में कुछ मीठा हो जाए। ये नहीं बोल रहा कि कब मेरा एडमिशन होगा, कहीं घर की याद आ रही है लाटे को। अब बच्चों को यहीं छोड़ के हम लोग जाएंगे घर। तो ये है अर्णव की क्लास, और वक्त आ चुका है अब अर्णव को छोड़ के यहाँ से जाने का। अर्णव और इसको आराम से रहना, अच्छे से रहना, लड़ाई मत करना, प्यार से रहना और पढ़ाई करना जिस चीज के लिए आए हो यहाँ, ठीक है? खाना पीना तो सब बता दिया हमने तुझे, लेकिन मेन जो पर्पस है वो पढ़ाई करना है। गले तो मिल ले पापा से, मम्मी पापा से। बाय पारीकर, जल्दी से मामा का, चल पार्थ पारीकर मामा को, बाय बाय अर्णव, बाय बाय बाय। तो यहाँ बच्चों को छोड़ते हुए चलो बाय।
चलो। और यहाँ दीदी रोते हुए अरे ठीक है भाई। और आज के लिए दीदी का सबसे बड़ा दुश्मन जीजू है। ये है गार्ड भैया। बिल्कुल सिक्योर है ना यहाँ बच्चे? एकदम एकदम। बाहर तो नहीं जाते ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो भैया यहाँ गार्ड है और पूरी देखरेख करते हैं सुखोई की। और भैया ध्यान रखना बच्चों का। बाय सो गाइस, बच्चों को छोड़ के अब हम आ चुके हैं बाहर। हम जा रहे हैं घर की तरफ। बच्चों को हमने छोड़ दिया है, चलते हैं घर और मिलवाते हैं आपको घर वालों से। हम पहुंच चुके हैं घर और मम्मी अभी तक रो रही है रोने में लगी हुई है मम्मी आज। कैसा लग रहा है आपको अर्णव के बगैर? है, मिस कर रहे हैं उसको। मिस कर रहे हैं ना? वो अभी ये नीचे गाड़ी निकालो, हम क्रिकेट खेलेंगे। अल्लाह मचा रखा था उसने अभी तक। आइए डॉली से पूछते हैं। डॉली जब हम गए थे तब तो सो रही थी, अब उसे कैसा लग रहा है? अर्णव भाई को मिस कर रही है कि नहीं? याद आ रही है ना तेरे को उसकी? क्यों झूठ बोल रही है? आ रही है, ये बता नहीं रही गाइस, इसको ये रोना भी आ रहा है इसको अंदर से, है ना? नहीं। तो औरतों के तो खैर इमोशन आंसुओं में बह के निकल जाते हैं। पापा से जानते हैं अर्णव के, जिनका ये डिसीजन था। तो ये है वो जिनकी वजह से अर्णव आज वहाँ है, क्योंकि सबने बहुत रोका कि नहीं वो पढ़ने में सही है, यहीं से कुछ कर लेगा। लेकिन शायद जो प्लान्स है कुछ अलग है अर्णव के पापा के उसके लिए। तो आप बताना चाहें, खुलासा करना चाहेंगे किस वजह से आपने भेजा अर्णव को? को भेजा है हमने, वो तो पढ़ने में ठीक है, सब चीज में ठीक है। अर्णव का फायदा है, सुबह टाइम पे उठेगा, टीवी मोबाइल से दूर रहेगा। तो आपने डिसिप्लिन के चक्कर में भेजा? एक तो ये हुआ कि मतलब डिसिप्लिन रहेगा तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा, मेन यही है बस। बाकी पढ़ाई वढ़ाई में तो ठीक है, केवल ये है कि डिसिप्लिन लाइफ रहे बस। तो आपका कहना है कि मम्मी और पापा मिलके डिसिप्लिन नहीं रख सके उस लड़के को? तो जैसा कि जीजू ने बताया कि उसको भेजने के पीछे जो मेन रीजन है वो यही है कि आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत है, जैसे बच्चों की लाइफ में फोन मोबाइल, सो इन सब से दूर रखने के लिए उसको, ताकि पढ़ाई में और ज्यादा कंसंट्रेशन लग सके, इस वजह से उसको वहां पर भेज दिया। तो देखते हैं हमारा अर्णव अब कितना नाम रोशन करके आएगा हमारा। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय। We'll be right back.